Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में हम देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता क्या है, इसको किस लिए यूज करते हैं, इसका प्रिंसिपल और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि लैबोरेटरीज में तब यूज करते हैं जब सैंपल को उसके मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर आइसोलेट करना है। सैंपल को इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और वो सैंपल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए जब डिटेक्टर पर पहुंचता है तो डिटेक्टर सिग्नल सेंड करता है कंप्यूटर स्क्रीन को। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ग्राफ बन के आता है, उस ग्राफ में जो डिफरेंट डिफरेंट पीक रहती हैं, वो पीक होती हैं मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर। तो जो सैंपल इंजेक्ट किया वो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर सिस्टम पर फॉर्म होके आई उसकी पीक। तो यहाँ पर ग्राफ को इंटरप्रिटेट करके ये फाइंड किया जाता है कि जो सैंपल इंजेक्ट किया था उसका क्या मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, क्योंकि ये स्टडी जो यूज़ करते हैं वो जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम आया उसकी स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर, मास के बेसिस पर। इसलिए इस टेक्निक को मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं आइसोटोप्स के आइसोलेशन के लिए, क्योंकि आइसोटोप्स का क्या प्रॉपर्टी होता है कि आइसोटोप्स का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग रहता है। जैसे कार्बन के केस में C12, C13, C14 ये तीन आइसोटोप्स हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। इसका C12 का 12 है, C13 का 13 मॉलिक्यूलर वेट, C14 का 14 मॉलिक्यूलर वेट। इन तीनों का क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, या कोई दूसरे आइसोटॉप्स जिनके मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग रहते हैं वो इस टेक्निक का यूज़ करके आइसोलेट किए जा सकते हैं किसी मिक्सचर से, या फिर किसी मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट की स्टडी के लिए। किसी मॉलिक्यूल को अगर फ्रेगमेंट फॉर्म में चेंज किया गया, फ्रेगमेंटाइज्ड किया गया है, तो हर एक फ्रेगमेंट का क्या मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है वो फाइंड करने के लिए भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक एटम या कोई मॉलिक्यूल। तो जब भी कोई स्टडी मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर करनी है तो वहाँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ की जाती है। अब देख लेते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है और उस इंस्ट्रूमेंटेशन में जो अलग अलग पार्ट हैं वो किस तरह से फंक्शनल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन में होता है जो सैंपल, जहाँ से सैंपल इनलेट, जहाँ से सैंपल को इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है। उसके बाद आता है एक आयनाइजेशन प्रोसेस के लिए एक चैम्बर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन रहती है, देन एक्सीलरेशन प्लेट, देन वेलोसिटी सेलेक्टर होता है। उसके बाद दो बड़े मैग्नेट्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। उसके बाद डिटेक्टर जो फुल सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद कंप्यूटर जहाँ की कंप्यूटर पर ग्राफ बन के आएगा लास्ट में। तो यहाँ पर एज अ सैम्पल हम क्या ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस एज अ सैम्पल लिया जा सकता है। लेकिन सैम्पलिंग के बेसिस पर ये जो आयनाइजेशन मेथड होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर सैम्पल सॉलिड है तो आयनाइजेशन मेथड अलग होगा, अगर सैम्पल लिक्विड है तो आयनाइजेशन अलग होगी, और अगर सैम्पल गैस है तो आयनाइजेशन उस केस में अलग तरीके से होगा। और क्योंकि यहाँ आयनाइजेशन अलग अलग हो रहा है तो इस बेसिस पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिफरेंट टाइप की हो जाती है। तो आयनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कोई भी प्रोटीन या अमाइनो एसिड, या फिर कोई भी गैस लाइक प्रोपेन। एज अ सैंपल हम यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन गन रहती है। इलेक्ट्रॉन गन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है, और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब वो एटम की आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है होता है, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो उस एटम के उस इलेक्ट्रॉन से जब टकराते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं सेल से। तो उस वजह से क्या होगा, ये एटम पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया इस एटम से, तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन गन्स की हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर गया, जिस वजह से इस एटम ने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, और यहाँ पर इसलिए पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं आयनाइजेशन स्टेप में।
जैसे हम वाटर एज एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन गन से रिलीज हो रहा है वो अगर इस बॉन्ड पर फॉल हुआ तो जो पॉसिबल फ्रेगमेंट है वो कुछ इस तरह के बनेंगे OH+। या फिर अगर यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रॉन फॉल हुआ और इस बॉन्ड पर भी फॉल हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन हाई इंटेंसिटी के बराबर आ रहे हैं, तो दोनों बॉन्ड अगर ब्रेक हुए तो एक ऑक्सीजन प्लस एटम भी फॉर्म हो सकता है, वहां पर एच प्लस भी फॉर्म हो सकता है और H2O+ भी फॉर्म हो सकता है। तो ये पॉसिबल फ्रेगमेंट्स हैं जो H2O फॉर्म कर सकता है इलेक्ट्रॉन गन की वजह से, मींस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स पर आएंगे और बॉन्ड ब्रेक होंगे जिसकी वजह से ये आयंस फॉर्म होंगे। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन में जो भी सैंपल था वो आयनाइज्ड हुआ, उसने पॉजिटिव चार्ज गेन किया। तो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल जब आयनाइजेशन स्टेप पर फॉर्म होते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या रहता है, दो स्लिट रहती हैं जिनके ऊपर डिफरेंट चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन जो फॉर्म हुए, ये जो सेकेंड स्लिट होती है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड मूव करते हैं इन स्लिट्स की वजह से। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है वेलोसिटी सेलेक्टर। एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के मॉलिक्यूल ही आगे मूव करते हैं इस टेक्निक में, क्योंकि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डिटेक्टर को हिट करेंगे, और बहुत ज़्यादा स्लो है तो बहुत स्लो स्पीड के साथ डिटेक्टर को हिट करेंगे। उससे क्या होगा कि डिटेक्टर एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ना करके एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम जनरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के मॉलिक्यूल ही यहां सेलेक्ट किए जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ ये वेलोसिटी सिलेक्शन किस तरह से होता है, वेलोसिटी सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक प्लेट रहती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं। ये इलेक्ट्रिक प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिक प्लेट इस तरह से हैं तो दो मैग्नेट इस तरह से रहते हैं इस पोजीशन में, साथ ही साथ दो मैग्नेट्स रहते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव प्लेट से थे, ये धीरे धीरे जब आगे मूव कर रहे होते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो जब ये यहाँ वेलोसिटी सेलेक्टर रीजन में पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये फेस करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों, जो कि स्ट्रेंथ में इक्वल है। तो वेलोसिटी सिलेक्शन वाले पार्ट में, तो इस पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू QE। क्यू इज चार्ज, वी इज वेलोसिटी, B is magnetic field। यहाँ पर Q charge है और E है electric field। तो यहाँ अगर देखा जाए magnetic force is equals to QVB। अगर velocity ज़्यादा है किसी atom की, positive charge molecule की, तो उस पर magnetic force ज़्यादा लगेगा। magnetic force ज़्यादा लगने की वजह से वो atom magnets की तरफ move कर जाएगा, और अगर किसी की वेलोसिटी कम है किसी एटम की तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स सेम स्ट्रेंथ के हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जब कम लगा तो ऑटोमेटिकली उस एटम पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो वो एटम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रिक प्लेट्स की साइड मूव कर जाएगा। तो जिनकी स्पीड ज़्यादा थी वो मूव हो गए मैग्नेट्स की तरफ, जिनकी स्पीड कम थी वो मूव हो गए इलेक्ट्रिक प्लेट्स की तरफ। तो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल ही इस एरिया को क्रॉस कर पाएंगे। और जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस होते हैं, नेक्स्ट आते हैं दो बड़े मैग्नेट्स। उन दो बड़े मैग्नेट्स की वजह से क्या होता है, एक एरिया में पूरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट रहता है। और जब ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल उस मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचते हैं, क्योंकि ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है, होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हुआ वो इक्वल स्ट्रेंथ का रहेगा। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एटम क्या करते हैं, वो कर्व फॉर्म करते हैं और एंगुलर फॉर्म करते हुए वो डिटेक्टर तक पहुँचते हैं। जो स्मॉल इन साइज एटम होते हैं, जिनका साइज स्मॉल होता है,
वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मैग्नेट्स की वजह से, वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा शॉर्ट कर्व फॉर्म करते हैं, और जिनका साइज़ बड़ा रहता है, साइज़ क्योंकि उनका बड़ा है तो उन पर मैग्नेटिक फोर्स उतना ज़्यादा उन इफेक्टिव नहीं रहता है, तो वो ज़्यादा बड़ा कर्व फॉर्म करते हैं। जो उनका एंगुलर फॉर्म होता है स्मॉल इन साइज़ का कम रहता है, और जो लार्ज इन साइज़ है वो ज़्यादा एंगुलर एंगल के साथ फॉल होते हैं डिटेक्टर पर। डिटेक्टर क्या करता है, ये जिस एंगल के साथ डिटेक्टर पर फॉल हुए हैं, डिटेक्टर वो रेडियस को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ अगर देखा जाए, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर्मूला अगर देखें QVB, that is magnetic force is equals to centripetal force. Centripetal force is mv square by r. V से V अगर cancel, तो QB is equals to mv by r and r will be mv upon QB. तो अगर radius find किया, detector radius detect करता है, तो radius अगर detect हुआ तो radius proportional है mass के, तो ऑटोमेटिकली मास कैलकुलेट हो जाएगा उस कंपोनेंट का जो फॉल हुआ डिटेक्टर पर। तो यहाँ पर रेडियस के बेसिस पर मास टू चार्ज रेशो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसके बाद जब डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया तो उस सिस्टम पर पीक जनरेट होकर आई। अब ये जो ग्राफ होता है इसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं, तो जो ग्राफ आता है वो इस तरह से होता है, उसकी x एक्सिस पर m बाय क्यू रहता है और y एक्सिस पर रिलेटिव अबेंडेंस रहती है। इस तरह की कुछ पीक फॉर्म होके आती है, क्योंकि हमने एज अ एग्जांपल वाटर यूज़ किया था, तो जो एक पीक आई वो 18 मींस मॉलिकुलर वेट 18 है, दूसरे पीक का मॉलिकुलर वेट 17 है, इसका 16 और ये मॉलिकुलर वेट 1 है। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर ये पॉसिबल फ्रेगमेंट्स फॉर्म किए थे वाटर के हमने इनिशियली, तो ये जो फर्स्ट पीक है ये H2O प्लस की हो सकती है, H2O प्लस, ये जो 17 पर जो पीक आई ये OH प्लस की होगी, ये जो 16 पर है ये O प्लस और 1 पर H प्लस। तो ये किस तरह से, क्योंकि अगर देखा जाए H2O प्लस इसका मॉलिकुलर वेट होता है 18, तो क्योंकि 18 इसका मॉलिकुलर वेट है, दो हाइड्रोजन एटम है इसमें प्लस ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट रहता है 16, तो ये हुआ 18। तो 18 पर जो पीक आई वो H2O प्लस की है, इसी तरह से 16 ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट और 1 हाइड्रोजन का, तो 17 पर जो पीक है वो OH की है। क्योंकि यहाँ तो हमने नॉन सैम्पल लिया था, वाटर लिया था एज अ सैम्पल, तो हमने इंटरप्रिटेट किया कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आई ये किस किस फ्रेगमेंट की हो सकती हैं। अगर अननोन सैम्पल है मींस उस सैम्पल के नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या सैम्पल यूज़ किया, जस्ट मॉलिकुलर वेट के जो पीक्स आए हैं वो मालूम है, तो उस केस में इस ग्राफ को मैच किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री लाइब्रेरी से। मास स्पेक्ट्रोमेट्री लाइब्रेरी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो ग्राफ है वो पॉसिबली किन फ्रेगमेंट्स का हो सकता है, या उसके जो मॉलिकुलर वेट्स हैं वो किस किस फ्रेगमेंट के वो मॉलिकुलर वेट हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबेंडेंस है, तो ये जो OH की हाईएस्ट पीक है मीन्स ये OH इस सैम्पल में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट था, जो रन किया उसमें OH सबसे ज़्यादा अबेंडेंट था, तो OH की जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो सैम्पल में ज़्यादा थी। तो इस तरह से ग्राफ इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। आई होप यहाँ मैं आपको क्लियर रही हूँगी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।